बड़नगर में शिवसेना की प्रांतीय बैठक प्रदेश प्रमुख थानेश्वर महावर व चुनाव प्रभारी सुरेश गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालवा प्रांत प्रमुख प्रभात पुरानिया ने की। बैठक के पूर्व स्थानीय कोट चौराहा पर शिव सैनिकों ने मंच के माध्यम से अतिथियों को पुष्प वर्षा कर आदर सत्कार किया। इसके पश्चात चल समारोह के माध्यम से नगर भ्रमण, रेलवे स्टेशन रोड, जयस्तंभ चौक, डाबरी चौक, धानमंडी, गांधी चौक, तिजाजी चौक, नयापुरा होते हुए राजपूत बोर्डिंग हाउस पहुंचे। शिव सैनिकों ने जगह जगह मंच लगाकर अतिथियों का स्वागत किया। बैठक में शिव सैनिकों को सम्मानीय अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया और प्रदेश प्रमुख महावर द्वारा शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि शिव सैनिकों ने युवा नेतृत्व प्रभात पुरानिया के निर्देशन में कार्य करे। इनकी ऊर्जा से ही मालवा क्षेत्र में संगठन ने मजबूती प्रदान की है। बैठक का समापन शिव सैनिकों द्वारा प्रदेश प्रमुख महावर को साफा बांध कर तलवार भेंट कर किया गया। बैठक में प्रदेश संभाग जिले व नगर की सैकड़ों शिव सैनिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना लगातार प्रगति के पथ पर चल रही है और जन सेवा का जो कार्य है लगातार बढ़ रहा है। उसको देखते हुए हमारे यहाँ के संभाग प्रमुख डॉक्टर महेंद्र जी और जिला प्रमुख धीरज और प्रभात पुरानिया जी, जोशी जी, इन सबकी लंबे समय से मांग थी कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ आए और यहाँ के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करें ताकि हम आने वाले समय में पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव में हम लोग सहभागी बन सके और जो जनता की सेवा करने का संकल्प है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि राजकरण में हमारी हिस्सेदारी ना हो। हम राजकरण के अंदर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम को आज आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे पदाधिकारियों ने खूब मेहनत की है, उससे ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में सभी जिलों से उज्जैन संभाग के हमारे लोग चुनाव जीत के आए। पंचायत के चुनाव को लेकर हमारे लोगों की ये रणनीति है कि हम सबसे पहले तो इस मध्य प्रदेश की जनता को ये कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा दोनों पार्टी पे विश्वास किया है, कांग्रेस पे भी विश्वास किया है, भाजपा पे भी विश्वास किया है। एक बार शिवसेना के ऊपर विश्वास करके देखिए। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो ये जिस तरीके का भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में जो चल रहा है, जिस तरीके से तहसीलदार, SDM और पटवारी, SLR जितने भी ये अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आजकल तो स्थिति इतनी हो गई है कि ये सरे आम भ्रष्टाचार, चाहे कोई पटवारे के लिए जल जाता है या कोई तहसील किसी काम के लिए जाता है तो इनसे पहले नगद पैसे मांगे जाते हैं। आजकल की रिश्वत इतनी बढ़ गई है, इतनी तादाद बढ़ गई है कि वो अब पूछते हैं कि इसकी ज़मीन का वैल्यूएशन लेके आओ और ये कितने पैसे देता है, तो उसको डिमांड करते हैं। कोई 5 लाख की डिमांड करता है, कोई 3 करोड़ की डिमांड करता है, कोई कितने लाखों रुपये की डिमांड करता है। आज गरीब कहाँ से पैसा लेके आएगा? तो मैं अब सभी जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को इन जनपद के चुनाव में और जो पार्षद के चुनाव आ गए हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस सरकार के कपड़े उतारेंगे, इन मंत्रियों के कपड़े उतारेंगे, इन अधिकारियों के कपड़े उतारेंगे और आपके जो काम नहीं होते हैं, जो गरीबों के काम नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि शिवसेना को अगर आप जिताएंगे तो यह इन सब भ्रष्टाचारियों को अंदर करवाएंगे, जेल में कराएंगे, गधे में बिठाएंगे। तो साथियों, तीसरी शक्ति के रूप में अगर कोई पार्टी है, तीसरी शक्ति के रूप में अगर कोई काम करने वाली पार्टी है तो वो शिवसेना है। शिवसेना को वोट दीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और गरीबों का न्याय दिलाएंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, महिलाओं को किस तरीके से जो उनके पति बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार होता है, उन सब के लिए अगर कोई लड़ सकती है तो वो सिर्फ शिवसेना लड़ सकती है। तो मैं मध्य प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने भाजपा को दिए वोट, कांग्रेस को वोट दिए, इस बार शिवसेना को वोट दीजिए। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भ्रष्टाचार, अत्याचार और विकास की गंगा और विकास के काम को कोई कर सकती है तो सिर्फ शिवसेना कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी बड़नगर से महेश सोनग्रा की रिपोर्ट।